To subscribe Beauty and Creativity, click the subscribe button, and to get the notification of latest videos, click the bell icon. Hi guys, welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर लिप बाम कैसे बना सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. DIY लिप बाम बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है बीज वैक्स. बीज वैक्स आप कहीं से भी खरीद सकते हैं. मैंने अमेजोन से मंगाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी. आप उस पर क्लिक करके भी खरीद सकते हैं. तो बीज वैक्स को हम अच्छी तरह से पहले ग्रेट कर लेंगे. बीज वैक्स में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारे लिप्स को हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं. बीज वैक्स हमारे लिप्स को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, और जो ठंड की वजह से हमारे लिप्स फट जाते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. बीज वैक्स मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं. अब सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है शी बटर. शी बटर मैंने अमेजोन से मंगाया है, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. शी बटर हमारे लिप्स को कोल्ड और ड्राई वेदर से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है. शी बटर में विटामिन एफ होता है, जो हमारी स्किन को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रखती है, और इसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है. अब मैं इसमें थोड़ा सा आमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ. आमंड ऑयल हमारे लिप्स के कलर को लाइटन करने में हेल्प करता है. अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ. कोकोनट ऑयल हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है. अब मैं इसमें दो विटामिन ई कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ. विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये हमारे लिप्स पर सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है, जो हमारे लिप्स को हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है. सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए. अगर आपको और पतली कंसिस्टेंसी चाहिए तो इसमें आप और ऑयल ऐड कर सकते हैं. इससे पहले कि ये ठंडा हो, हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ये 5 मिनट के अंदर ही बीज वैक्स होने की वजह से जम जाता है. अगर आप इस लिप बाम में कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी लिपस्टिक का थोड़ा सा पार्ट काट कर इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रेग्रेंस भी अच्छी लगती है तो आप इसमें फ्रेग्रेंस के लिए एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं. मैंने इसमें ऐसा कुछ भी ऐड नहीं किया है. सबसे अच्छी बात इस लिप बाम की ये है कि ये 100% केमिकल फ्री है. मैंने पर्सनली ये लिप बाम यूज़ किया है और अभी भी कर रही हूँ. ये सच में हमारे लिप्स को बहुत ही मॉइस्चराइज्ड और सॉफ्ट रखता है. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखें. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. इससे आपको जब भी मैं नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय.